ना? ना? ना आप लोग कैसे होप कि आप लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है रेलवे का सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव अब चार माह पहले बुक नहीं कराना होगा रेल का टिकट पूरी जानकारी क्या है मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन प्रेस करना ताकि जो भी ऐसे अपडेट सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते आपको मैं बता दू की भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है अब आप अपनी यात्रा से एक सौ बीस दिन पहले टिकट बुक नहीं करा पाएंगे केवल साठ दिन पहले ही रिजर्वेशन कराना होगा मैं आपको बता दूं कि यदि आप ट्रेन से यात्रा करना करते हैं और अपने सफर के लिए महीनों पहले टिकट बुक करने की योजना बनाते हैं तो आपके लिए एक अहम खबर है और भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है अब आप अपनी यात्रा के एक सौ बीस दिन पहले टिकट बुक नहीं करा पाएंगे केवल साठ दिन पहले ही रिजर्वेशन कराना होगा मतलब पहले चार महीने का समय सीमा को रेलवे ने घटा

नहीं होगा अगर आपने पहले से ही एक दिन पहले नियम के तहत टिकट बुक कर लिया है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है रेलवे ने अपने आदेश में साफ किया है कि नया नियम नवंबर चौबीस से लागू होगा और पहले से बुक किए गए टिकट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा आपकी यात्रा की टिकट सुरक्षित और यात्रा की डेट तक मान्य रहेगा मैं आपको बता दूं कि किसी किस गाड़ी पर नहीं लगेगा असर तो रेलवे ने कुछ विशेष गाड़ियों पर इस नए नियम को असर नहीं होने की बात भी कही है उदाहरण के लिए गोमती एक्सप्रेस और ताज एक्सप्रेस जैसे गाड़ियों का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड एआरपी पहले से ही कम से ऐसे उन पर नहीं यह नियम बदलाव लागू नहीं होगा इसके अलावा विदेशी विदेशी यात्रियों वीदेशी यात्रियों को एडवांस रिजर्वेशन पीरियड पर भी इस बदलाव का कोई प्रभाव नहीं होता मैं आपको बता रेलवे की ओर से जारी आदेश इससे बड़े बदलाव के संबंध में रेलवे ने मंत्रालय ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है इसका बदलाव से लोगों को यात्रा की योजना बनाने के लिए कम से कम समय मिलेगा और मैं आपको बता दूं कि जो लोग पहले से चार महीने पहले टिकट बुक कर ले उन्हें अपनी यात्रा की योजना साठ दिन पहले बनानी होगी हालांकि इस बदलाव से यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग का प्रोसेस अधिक सरल और प्रभावी हो सकता है क्योंकि कम समय में यात्रा की योजना बनाने के लिए टिकट की उपलब्धता नजर रखना ज्यादा आसान हो सकता है तो ये जानकारी आपको कैसे लाभ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा जय हिंद जय भारत फिर मिलेंगे एक तो नई अपडेट